हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो आज का हमारा कंटेंट है सिंधु घाटी सभ्यता जो हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं ये लूसेंट की बुक से रिलेटेड है। तो फिलहाल अपने क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा जिसमें आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, यानी किस ईसवी से लेकर किस ईसा पूर्व तक के काल को हम हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कहते हैं। ऑप्शन आपके पास 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं निश्चित नहीं हो सकता है। तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, इनके अलावा इन तीनों सभ्यताओं के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन आपके पास पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से, वड़ावली से, मांडा से या कालीबंगा से। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं वो आपके सुरकोटदा से मिले हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है वो किस प्रदेश में है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सिंधु घाटी स्थल है कालीबंगन वो आपका राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था यानी किया गया था, सेलखड़ी, कासा, तांबा या लोहा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि जो हड़प्पा काल के लोग थे वो मोहरों जो मुद्राएं बनाते थे उनमें सेलखड़ी का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लौह युग की। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम कांसा का प्रयोग कहाँ हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, तो इस वजह से इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की थी। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार, वो लोग व्यापार करते थे। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे यानी कैसे थे, किस प्रकार के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खाना बदोश थे या जनजाति थे। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शहरी थे। फिर आपसे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घर बनाने के लिए ईंट का प्रयोग करते थे और ये इनकी बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वालिटी भी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो हड़प्पा वासी थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विद्वानों के नाम दिए गए हैं इनमें से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी यानी सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे हड़प्पा सभ्यता के, दयाराम साहनी थे। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था,
कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोथल जो कि आपका गुजरात में है, ये सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे, और यह खोज कहाँ पर हुई थी, कालीबंगन में, हड़प्पा में, चनहुदड़ो में या लोथल में। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पैमाने की खोज हुई थी वो लोथल में हुई थी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, यानी किन वर्गों में बटा हुआ था, शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, या ब्राह्मण, छत्री, वैश्य और शूद्र, या राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हड़प्पा कालीन समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभाजित था, बटा हुआ था, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी और सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ऑप्शन आपके पास, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो दूसरा है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये एकदम करेक्ट है, यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी, किसने की थी ये मैंने आपको बता दिया है, किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी या 1921 ईस्वी। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया था, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने पशुपति का जो सम्मान था वो आरंभ कर दिया था, यानी सम्मान करना आरंभ कर दिया था, तो इस वजह से यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंध का बाघ नखलिस्तान, नखलिस्तान को बाघ भी कहते हैं, सिंध का बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है, हड़प्पा को, मोहनजोदाड़ो को, कालीबंगा को या लोथल को। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु का बाघ किसे कहते हैं, मोहनजोदाड़ो को सिंधु का बाघ भी कहा, सिंध का बाघ भी कहा जाता है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो आपका त्रिभुजाकार था, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है, यानी एक तरफ स्थल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ नदियां दी हुई हैं कि किस नदी के किनारे किस स्थल की खोज की गई है, तो आपको सही मैच करना है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ हुई थी, रावी नदी के किनारे हुई थी, मोहनजोदाड़ो की जो खोज हुई थी वो सिंधु नदी के किनारे हुई थी, लोथल नदी की जो खोज हुई थी वो कहाँ हुई थी आपकी, भोगवा नदी के किनारे हुई थी, और कालीबंगन की खोज घग्गर नदी के किनारे हुई थी, यानी 1, 2, 3, 4, तो कौन सा सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते हुए खेत मिले थे, यानी हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला था, रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से या बड़ावली से, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला था वो आपका कालीबंगन से मिला था, कालीबंगा। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और ये जो कालीबंगा स्थल मिला था ये अभी इस टाइम कहाँ है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे क्या कहते थे, ईंटों को सजाते थे, अलंकरण करते थे, तो वही पूछ रहा है कि किस स्थान से मिला है, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो या बड़ावली। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुते हुए खेत का साक्ष्य और ईंटों के अलंकरण का भी साक्ष्य आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, यानी किस स्थल से वृहत स्नानागार पाया गया है, मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानागार मिला है वो आपका मोहनजोदाड़ो से मिला है। स्नानागार और अन्नागार ये मोहनजोदाड़ो की विशेषताएं थी। यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा है उनमें आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ऑप्शन आपके पास कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली या लोथल। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोथल स्थल है जिसे सिंधु घाटी का बंदरगाह भी कहा जाता था वो आपका गुजरात में स्थित है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो यहाँ आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मृतकों का शहर किसे कहते हैं, तो यहाँ सिटी ऑफ डेड, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी के किस स्थल को सिटी ऑफ डेड के नाम से जानते हैं, मृतकों का शहर, तो वहां आपका ऑप्शन हो जाएगा लोथल, यानी लोथल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम पूछा गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है, सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, शेर का, घोड़ा का, बैल का या हाथी का। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है सैंधव स्थलों में जो मुहरें प्राप्त हुई हैं उसमें बैल का सर्वाधिक चित्रांकन मिलता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो अभी हमने डिस्क्राइब किया है, ऑप्शन आपके पास हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो लोथल कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात कहाँ का स्थान है, भारत में है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो लोथल है ये भारत में ही स्थित है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो या सिंध। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई थी, सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो था हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी की आहत मुद्राओं में। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो आपके हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। सिंधु सभ्यता की ये विशेषता थी कि वहाँ पानी जल निकासी के लिए नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। लोग लोहे से परिचित थे, ये सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, यहाँ तक कि ऋग्वैदिक लोग भी नहीं पहनते, यानी जब ऋग्वैदिक पीरियड आया आपका ऋग्वैदिक, तो ऋग्वैदिक के जो लोग थे वो भी लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का जो परिचय माना उसे हुआ वो उत्तर वैदिक काल में हुआ, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि लोग लोहे से परिचित थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको फिर से सही मैच करना है। एक तरफ क्या दिया हुआ है, सीमाएं दी हुई हैं सिंधु सभ्यता की, और दूसरी तरफ नेम दिए हुए हैं कि किस उत्तरी सीमा कहाँ तक है, दक्षिणी सीमा कौन सी है, पूर्वी सीमा कहाँ तक है, पश्चिमी सीमा कहाँ तक है, तो वही आपको सही मैच करना है। तो पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पहली उत्तरी सीमा है वो आपकी मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश मेरठ में है, और सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा मानी जाती है वो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा पड़ जाता है, ये हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा क्या है, जम्मू उत्तरी सीमा है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है, मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। वही पूछ रहा है कि मांडा जो स्थान था वो किस नदी के किनारे स्थित था, तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मांडा था वो चिनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो था किस नदी के किनारे स्थित था, चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो रोपड़ स्थल था वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यानी किस स्थान से पता चलता है, धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यता किस रंग का उपयोग हुआ था, यानी हड़प्पा काल के जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन थे, उसमें ज्यादा किस रंग का प्रयोग हुआ होता था, वो किस रंग के बर्तन बनाते थे, लाल रंग के, नीला गहरा, पांडू या नीला, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यता लाल रंग का उपयोग हुआ था, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद ऐतिहासिक काल, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सिंधु सभ्यता है वो आपकी आद ऐतिहासिक काल में आती है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, ऑप्शन आपके पास हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदाड़ो के जो घर थे वहां से कुएं के अवशेष मिले हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव या माधव स्वरूप वत्स एवं वीबी राव, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो रंगपुर हड़प्पा स्थल था वो आपका सौराष्ट्र में है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो आपको उस पशु की आकृति बतानी कि किस पशु की आकृति थी, यानी मुहर पर किसी न किसी पशु की आकृति मिली है जिससे ये पता चलता था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ क्या करते थे, व्यापारिक संबंध रखते थे, यानी व्यापार करते थे, चीजों का आदान प्रदान करते थे। तो वही आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास घोड़ा, गधा, बैल या हाथी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैल एकदम राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो किस में विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्र शक्ति में। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मात्र शक्ति में बहुत अधिक विश्वास करते थे। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजिए। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कोट दीजिए था वो क्या था, समुद्र तट पर स्थित नहीं था। इनके अलावा सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट ये सभी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित थे। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदाड़ो में वो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी, यानी हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रीड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाते थे। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सही मैच करना है। एक तरफ प्राचीन स्थल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो खोजे हुई हैं वो दी हुई हैं। तो लोथल से किसकी खोज हुई है, गोदीवाड़ा की हुई है। कालीबंगल से जुते हुए खेत मिले हैं। धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो यहाँ आपका सही क्या हो जाएगा, 2143। तो 2143 कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ था, शेर का, हाथी का, गैंडा का या बाघ का। यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि शेर का कोई भी अंकन नहीं हुआ था। फिर आपसे कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस क्वेश्चन को। ऑप्शन आपके पास सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा या लोहा। तो यहाँ डी सही हो जाएगा कि हड़प्पा वासी जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से लोगों का परिचय उत्तर वैदिक काल में हुआ था। फिर आपसे कह रहा है कि किस स्थल से युगल सवाधान यानी 200 संस्कार का प्रमाण मिलता है, कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से या कालीबंगन से। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोथल, यानी लोथल से युगल सवाधान 200 संस्कार का प्रमाण मिला है। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, सिंडन नाम से, कॉटन से, ए और बी दोनों से या हड़प्पा नाम से। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था उसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, कुड़ाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद, बड़ावली या रोपड़। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, चांदी का, टिन का, सोना का। तो यहाँ आपका तीनों ही सही हो जाएगा कि हड़प्पा वासी सोना, चांदी, टिन तीनों ही धातुओं का आयात करते थे। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी ये क्या है, भवन निर्माण की सामग्री है,
का आयात कहाँ से करते थे, यानी हड़प्पा काल के जो लोग थे, हड़प्पा निवासी थे, वो भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदक्सा से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात हड़प्पा वासी कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदक्सा से करते थे। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, स्थल है, यानी सिंधु सभ्यता के स्थल जो कि अफगानिस्तान में पाए गए हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन आपके पास मुंडीगा, सुरतुगोई, ए और बी दोनों, हड़प्पा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुंडीगॉक और सुरतुगोई जो कि आपके सिंधु सभ्यता से रिलेटेड स्थल है, इनकी खोज अफगानिस्तान में हुई थी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एम सुतका गेंडोर, अल्लाह दीनो एम बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आद्य शिव की जो मिली है, आद्य शिव की जो मूर्ति मिली है, मुहर मिली है, उनमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण या इनमें से सभी? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पशुपति शिव यानी आद्य शिव मुहर प्राप्त हुई है, उनमें इन सभी जानवरों का अंकन हुआ था। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या वड़ावलम से? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि मोहनजोदाड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से या रंगपुर से? तो यहाँ भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, यानी मोहनजोदाड़ो करेक्ट हो जाएगा। जो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है वो आपकी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, चंदहुदड़ो से या लोथल से? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के जो निशान मिले हैं वो चंदहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के से मतलब सादृश्य है, रिलेटेड है? ऑप्शन आपके पास हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या रंगपुर? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हड़प्पा कालीन स्थल लोथल से प्राप्त हुई है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई, यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो सबसे ज्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी वो किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगी, गुजरात में हुआ था। किस प्रांत में हुई है? गुजरात में हुई है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल या गेहूं? तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो चावल था वो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला कह रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा कह रहा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब ऑप्शन है आपके पास कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा कि हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट एकदम राइट है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी एकदम राइट स्टेटमेंट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेटमेंट से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। तो स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्व वाली वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में
भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो बताइए ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ सही हो जाएगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी एक तरफ आपका हड़प्पा कालीन स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थिति दी हुई है, यानी किस प्रांत में किस राज्य में उनकी खोज हुई है, इधर दूसरी साइड दिया हुआ है और आपको सही मैच करना है। पहला कह रहा है कि मांडा की खोज कहाँ हुई थी, जम्मू कश्मीर में हुई थी। दायमाबाद महाराष्ट्र से रिलेटेड है आपका। कालीबंगा कहाँ से, राजस्थान से रिलेटेड है। और जो राखी गढ़ी है, जस्ट अ मिनट, कालीबंगा कहाँ से रिलेटेड है आपका, राजस्थान से। राखी गढ़ी हरियाणा से रिलेटेड है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो सही आपका कौन सा क्रम हो गया, ये है आपका सही क्रम 3 4 1 2। यहाँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सही मैच कौन सा है, सी ऑप्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की या लोहा की। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है। फिर आपसे कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर के, घोड़ा के, गाय के या हाथी के। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो शेर के अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर आपसे कह रहा है कि चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, जे एच मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, आर ई एम व्हीलर ने या सर ऑरिल स्टीन ने। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि चन्हुदड़ों जो एक सिंधु स्थल है उसका उत्खनन का निर्देशन किया था जे एच मैके ने। फिर आपसे कह रहा है कि कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है, चन्हुदड़ो, वोट दीजिए, सहगोरा या देसलपुर। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहगोरा जो स्थल है, सहगोरा वो हड़प्पा स्थल नहीं है। इनके अलावा चन्हुदड़ो, वोट दीजिए और देसलपुर, ये तीनों हड़प्पा स्थल हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल 76 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सभी डिस्कस कर चुके हैं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।